औरंगाबाद के हज हाउस में तहफ्फुज़ औकाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट वो AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। उलमाए कराम मुफ्तियान अज़ाइम आइम्मा मसाजिद और दानिशवरान मिल्लत ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान मुकर्ररीन ने वक्फ तरमीमी बिल पर तफसीली रोशनी डाली और इस बिल की आड़ में मरकज़ी हुकूमत की मनशा पर बात की और वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ पर जोर दिया। और याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते, अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ, इसका मालिक अल्लाह है, सुबह कयामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजों को देखकर मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि आप इस कानून के खिलाफ आप लोग QR कोड के जरिए या अपने लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए आप जॉइंट वर्किंग कमेटी को भिजाइए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। 15 सितंबर तक आखिरी तारीख है, या तो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में खुलेआम गुस्ताखी की जा रही है। और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह कि इस सूबे के, इस राज्य के मुख्यमंत्री उसकी तायीद करते हैं। हद ये हो गई है कि आपको खुलेआम ये कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों में आपको चुन चुन कर घुस घुस के आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। और उसके बावजूद भी हम सब सुन रहे, हम सब देख रहे, कहीं ऐसा कानून लाया जा रहा है कि जहां पर अब आपकी कब्रस्तानों के ऊपर, आपकी मस्जिदों पे, आपकी दरगाहों पे, हमारे जो अरबी मदारस है उनके ऊपर अब नज़र पड़ी हुई है। ये शायद हो इसलिए रहा है कि हम कहीं ना कहीं खामोश बैठे हुए हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान में गुस्ताखी हुई तो पूरा मुसलमान सड़कों पर निकल आएगा, अपने सियासी जो भी इख्तलाफ हो गए, हम किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। जब आपको ये खुलेआम कहा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों में आपको चुन चुन कर मारा जाएगा, तो उस मस्जिद के अंदर कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है, किस मसलक से ताल्लुक रखता है, या आपसे बायोडाटा लेकर आपको पीटा जाएगा, ऐसा नहीं है।